वीडियो में डिस्कस करेंगे मलेशिया T20 जो सुपर सीरीज का टूर्नामेंट हो रहा है, इसका आज का दिन का पहला T20 मैच के बारे में जो खेला जाएगा साउथर्न हीटर्स वर्सेस सेंट्रल स्मैशर्स के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की दोनों टीम ने तीन तीन मुकाबले खेली है। सेंट्रल स्मैशर्स की टीम ने 3 में से 2 जीती है, 1 हारी है। इनकी टीम ने भी 3 में से 2 जीती है, 1 हारी है। अब इन दोनों टीमों में ऑलरेडी एक हेड टू हेड मैच हुआ था जहाँ पे साउथर्न हीटर्स की टीम ने जीती थी। सबका मैंने स्कोर कार्ड निकाला है, हर प्लेयर्स का स्टैट्स आपको बताऊंगा कि किस प्लेयर्स को आखिर क्यों लेने हैं। मैचेज में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो रही है, नो डाउट हर एक चीज़ हम क्लियर करेंगे। वैसे आप वीडियो को लाइक करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है काफ़ी कुछ मिस कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे आफ्टर टॉस क्या होता है कि जो भी हमारी स्मॉली की टीम्स होती हैं हम जिस टीम से खेलते हैं सेम टीम टेलीग्राम आपको चैनल पे देते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करो @FExpert, हमने जैसा लिखा है सेम टू सेम लिखेंगे। 14,800, 9,000, 15,000 के समथिंग सब्सक्राइबर वाला चैनल देखने को मिलेगा और आपने यहीं पे क्लिक करके जुड़ने हैं। लास्ट टाइम में फर्दर अपडेट आएगी, एक बेहतर वाली आपको टीम बना के टेलीग्राम पे मिलेगी, तो वहाँ पे मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैसेज रहेगा और रहेगा सुबह को 7 बजे, वहाँ पे मैं अवेलेबल रहूँगा। वेन्यू सेम रहेगा, विकेट ओवरऑल बैलेंस कहेंगे, हालांकि चेंज करना आसान हो रहा है क्योंकि अब तक हमने जो 6 मुकाबले देखे हैं ना वेन्यू पे 5 सेकंड करने वाली टीम ने जीती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेज करना आसान हो रहा है। CSK टीम ने लास्ट के 3 गेम में 2 जीती 1 हारी थी, जो कि SOH टीम से ही था। ओवरऑल दोनों टीम काफ़ी बेहतर स्कोरिंग कर रही है। ओपनर थे लास्ट लगे में CS टीम तरफ से थाईलेथी, सेथुमाधवन, नितेश, इनके साथ आते राजकुमार राजेंद्रन। थाईलेथी का मैं कन्फर्म नहीं बता सकता कि भाई ओपनिंग ही करेगा, बल्लेबाजी क्रम में बोले मैं तो अभी के लिए छोड़ रहा हूँ इनको। लास्ट के 3 गेम में 1 वाला गेम में तो बैटिंग आई नहीं थी और 1 वाला गेम में ओपनिंग किया था, 21 रन करके गए थे, बट कन्फर्म नहीं कि भाई ओपनिंग ही करेगा, कुछ खास प्लेस है नहीं। राजकुमार राजेंद्रन लास्ट के 3 गेम में 64, 29 और 1 करे हैं, खेलेंगे कन्फर्म, ओपनिंग करेंगे। आप इनको एज अ प्लेयर पी करो कि केवल बल्लेबाज को सी करना VC करना रिस्क रहता है। हमने हसन मासूद को ना लास्ट लगे में VC किया था, भैया क्या विनिंग करी थी, 109 रन करके गए थे, ऊपर से 1 विकेट निकाले थे, 4 ओवर के बॉलिंग करा के। हम सी इनको करेंगे, मतलब कैप्टन इनको आज वाला गेम में हम बना के चलेंगे। प्रशांत पवार, इन्होंने लास्ट के 3 गेम में इनके 4 विकेट है, कभी 2 कभी 2 कभी 3 ऐसे ओवर डालते हैं, 2-3 ओवर कम से कम आपको डालते नजर आएंगे ज़्यादातर इनको टीम देती हैं। चंदन कुमार ने केवल 7 करा तक, काफ़ी नीचे खेलेंगे छोड़ेंगे। अरिफ जमालुद्दीन, इन्होंने क्या करे है लास्ट वाला गेम में बॉलिंग करा ही नहीं है, 42-14 और 7 है, रिसेंट में स्ट्रगल किए हैं क्योंकि इनको टीम प्रॉपर ओवर नहीं दे रही है, अगर प्रॉपर ओवर देती तो बढ़िया ऑलराउंडर है। खिजार हया दुरानी ने स्टार्टिंग वाला ही गेम में 1 विकेट निकाल पाए, तो उसके अलावा विकेट लेस जा रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ओवर तो कम्प्लीटली डाल रहा है ना, इसके वजह से मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ। मोहम्मद सलमान भी आपको कम्प्लीटली ओवर डालेंगे, टीम के मेन प्रॉपर बॉलर। लास्ट के 3 गेम में इनका भी आप केवल 2 ही विकेट देखोगे, बट हर गेम में 3-4 ओवर आपको डालते नजर आएंगे। किशन कुमार अनंतम ने केवल 1 ओवर डाली थी। इसराइल हुसैन टीम के मेन विकेटकर बॉलर, और इसी के चलते हमने लास्ट वाला गेम काफ़ी विनिंग करा था क्योंकि लास्ट वाला गेम में सिलेक्शन काफ़ी कम था, हमने रखा 2 विकेट निकाल कर गए थे। हम इस टीम से स्मॉली और रेटवर्ड की टीम में राजकुमार राजेंद्रन पहला, हसन मासूद को मैं कैप्टन करूँगा दूसरा, प्रशांत पवार तीसरा, चौथा रहेगा खिजार हया दुरानी, पाँचवा रहेगा सलमान। अगर आपको छाटा लेने हैं तो इसराइल हुसैन को बिल्कुल भी आप लीजिएगा, सेफ रहेंगे क्योंकि इनको टीम प्रॉपर ओवर दे रही है। बेंच वाले जो भी प्लेयर्स है, सैयद रहमतुल्ला खेलेंगे तो ओपनिंग करा के देंगे, ठीक। और भी प्लेयर्स हैं जिनका स्टेटस हमने निकालिए, इनमें से कोई प्लेयर खेलता है तो टीमें वगैरह जो भी चीज़ें होंगी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जुड़िएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साउथर्न हीटर्स की टीम ने भी 3 मुकाबले खेलिए, इनके ज़्यादा विकेट गिरा है, सामने वाली टीम से आप कंपेयर करोगे तो सामने वाली टीम के ज़्यादा विकेट नहीं गिरी है, बट हारी तो है, बट इनके उनके ज़्यादा विकेट नहीं गिरा है, बट इस टीम के ना कुछ ज़्यादा ही विकेट गिरी है दोस्तों। टीम ने टूर्नामेंट में 149 पर 10, उसके अलावा 112 पर 10 लास्ट वाला गेम बढ़िया स्कोरिंग करी थी, जीती थी। ओपनर रहेंगे जमशेद अख्तर, इनके साथ आएंगे मोहम्मद वकास। जमशेद अख्तर खेलेंगे, बॉलिंग बैटिंग आपको कराते नजर आएंगे, और अख्तर को आप लीजिएगा स्मॉलिंग और हेड टू हेड की टीम में, सेफ रहेगा, आप इनको एज ए प्लेयर पिक करो, बट इनको भी टीम बॉलिंग दे रही है। मोहम्मद वकास इनके विकेट कीपर बल्लेबाज है, वैसे भी विकेट कीपर में ऑलरेडी असलम खान मलिक अवेलेबल है तो वकास को भी ले सकते हो, 17 रन करे थे। सैफुल्लाह मलिक ने लास्ट के 2 गेम में 27 और 29 करे एज ए बल्लेबाज आप रखो। अजीब खान भी विकेट कीपर में है, लास्ट वाला गेम में 26 रन करके गए थे, 1 विकेट निकाली थी, लेकिन ऑलरेडी अगर आप विकेट कीपर सेक्शन से वकास को ले रहे हो तो इनको छोड़िएगा, इनको ले रहे हो तो वकास को छोड़िएगा।
अर्सलान अलमोजाम ने 30 रन करा था, उसके अलावा स्ट्रगल किए थे। स्टार्टिंग के दो मैच में छोड़ेंगे मोहम्मद कैसर, लास्ट के दो गेम में 5 विकेट है। पहले वाला गेम में 5 रन, उसके बाद 8 रन 53 रन, हर गेम में बॉलिंग हर गेम में बैटिंग करा रहे हैं। मोहम्मद फैजल लतीफ कई बार गेम में तो ओपनिंग भी करी है, लास्ट के 3 गेम में 3 विकेट, 3-4 आपको ओवर डालेंगे। तहजीब अहमद ने कुछ खास नहीं है, उनके अलावा मोहम्मद इब्तिसाम टीम के मेन विकेट टेकर बॉलर, लास्ट के 3 गेम में इनका भी आप देखोगे 5 विकेट, 2 गेम में 4-4 और एक वाला गेम में 1 ओवर है। फैजल यूनिस ने 1 ओवर डाल के 2 विकेट था, खैरुल आलम ने केवल 1 ओवर डाली थी। यूनिस को आप ले सकते हो, रिसेंट में विकेट इन्होंने निकाले हैं। जमशेद अख्तर पहला, वकास दूसरा, सैफुल्ला मलिक तीसरा कॉपी करेंगे। अगर आप वकास को ले लिया है तो फिर अजयब खान को छोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट लगे में वकास विकेट कीपिंग कर रहा था ना, इसलिए अजयब खान को टीम 1 ओवर दिया था, अदरवाइज इनको ओवर मिलने वाला था नहीं। अगर ये विकेट कीपिंग करेंगे तो समझ लेना भाई इनको ओवर नहीं मिलेगा। ठीक, उनके अलावा कैसर को पिक करेंगे, फैजल को पिक करेंगे, इब्तिसाम को पिक करेंगे, फैजल यूनास को पिक करेंगे। बेंच वाला सैयद अजीज, असलम खान मलिक, बढ़िया बढ़िया बल्लेबाज अवेलेबल है। रहीम खान मलिक टीम के मेन बॉलर, तो अगर इनको टीम खिलाती है तो भैया उनको आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आप जुड़िएगा। बात करेंगे डेमो टीम की, तो डेमो टीम हम विकेट की प्रशिक्षण से अभी के लिए मोहम्मद वकास को पिक करेंगे। अगर आप वकास को छोड़ रहे हो तो अजयब खान को लीजिएगा, लेकिन वकास ओपनर है ना, इसलिए मैंने इनको ट्राई करा। असलम खान मलिक खेल जाएगा तो फिर इनका लहड़ी ख़त्म हो जाएगा, मैं उनके साथ ही जाऊँगा। बल्लेबाजी में जमशेद अख्तर, सैफुल्लाह मलिक, राजकुमार रजंदरन को हम पिक करेंगे। उनके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन में हसन मासूद, इब्तिसाम, जमालुद्दीन को ओवर मिल नहीं रहा इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ। फैजल लतीफ, खिजार हयात दुरानी। फिर आएंगे बॉलिंग सेक्शन में, कैसर को पिक करेंगे, प्रशांत पवार रहेगा, और यहाँ पर हम ट्राई करेंगे इसरार हुसैन। आप प्रशांत पवार की जगह पे फैजल यूनास को ले सकते हो, लास्ट वाला गेम में 1 ओवर डाल के 2 विकेट निकाल के गए थे। हसन मसूद को हमने कैप्टन कर लिया, वाइस कैप्टन से मौली की टीम से मैं जमशेद अख्तर को करूँगा। आप इनकी जगह पे खिजार हयात दुरानी रहेगा, मोहम्मद कैसर रहेगा, तो आप कैसर के साथ भी जा सकते हो, सेफ रहेगा। ठीक है, मेरा अभी सी रहेगा हसन मसूद, मोहम्मद कैसर मेरा भी सी रहेगा। ठीक, मेरा डेमो टीम है, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। वीडियो पसंद आई लाइक करना, बेस्ट ऑफ लक।